मंच पर विराजमान डॉक्टर नरेंद्र काकड़ जी, इस एचआरडी सेंटर के डायरेक्टर और हमारे ओपी 114 के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नम्रता शर्मा जी, कल ये हमारा रिलेशन बन चुका है, हमारी मराठी में तो आकर सासु बन गई है, हिंदी में कहें तो बड़ी सारी, तो इसके कल कल पैर पहन मेरा वाइफ की बड़ी बहन और सवेरे ही हमें मधुशाला में लेके जाने वाली इस सेंटर की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जयश्री बंसल, कैसा होना चाहिए एक्चुअली 28 दिन 672 घंटे और 2 मिनट सभी जोड़ना है ना, इंदौर में तो सभी जोड़ना पड़ेगा, लेखा जोखा पूरा रखना है, हमारे कोर्सेस साहब ऑडिट अच्छा कर लेते हैं, तो 2 मिनट दे रहे हैं सिर्फ बोलने के लिए, नायन साहब ही है, तो चलो ठीक है। मैंने ये सीखा, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, मैंने जो सीखा है अगर 4 लाइनों में कहूं तो तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। तो हम तो फकीर हैं ही नहीं, पहली बात, हम जो 33 हैं सब जीतने वाले हैं, लेकिन ये भी याद रखना है कि जीतने से कोई अमीर नहीं बनता, तो जीतने का गुरूर, मेरे ख्याल से हम 33 लोग तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जीत चुके हैं मैडम, जल्दी जीत चुके हैं बंसल मैडम ने अभी बारातियों का नाम निकाला तो कुछ कहना तो पड़ेगा मैडम, हम उन बारातियों में से नहीं है जो बाराती आते हैं कहते हैं क्या कहते हैं खाने में नमक नहीं है, अरे मिठाई ही थी, मेजबान तो बोले ही नहीं हमसे, सम्मान दिया ही नहीं, कोई चीज नहीं, हम ले लेते हैं अपने आप, हम सम्मान ले लेते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव हैं, मगर ये भी जरूर कहेंगे कि जितने भी रिसोर्स पर्सन आए थे, मैं सहभागियों की ओर से कह रहा हूँ, खासकर हमारे महाराष्ट्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पहले वो चीज कही, मैं 33 लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनमें से हमारे तो प्रदेशवाद क्षेत्रवाद बनता है ना, उसको क्षेत्रवाद प्रदेशवाद बनता है, तो उनकी ओर से, तो जितने भी रिसोर्स पर्सन आए उन्होंने जो परोसा उनमें से हमने अच्छा लेने की कोशिश की, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत परोसा या क्या परोसा, मुझे जो अच्छा लगा, जो गोरसे साहब को अच्छा लगा, जो मानस को अच्छा लगा, जो रीटा को अच्छा लगा, जो रजनी मैडम को अच्छा लगा, जो संध्या मैडम को अच्छा लगा, हमारे सोना मैडम बैठी है जो उनको अच्छा लगा, अमिता मैडम मैथमेटिक्स की है उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लिया, सबने अपनी अपनी ओर से अच्छा लिया, कौन बैठ गया दिल में रिसोर्स पर्सन, दो तो यही है नम्रता जी और बंसल जी, बोले फिर प्रशासन की बात आती है तो मैं कंफ्यूज था कि दोनों में से किसको ऐड करूं पहले, नम्रता जी को कि दाखिल सर जी को, तो दोनों ही है, तो दोनों ही है, डॉक्टर बत्रा जी डिग्री लाजवाब थी, डेविड ने उनको आगे बढ़ाया, डॉक्टर डेविड जी, और ऐसे कारवां चलता रहा, लोग भी जुड़ते रहे, नीचे की अंकिता मैडम भी जुड़ गई हमसे, रूपाली मैडम भी जुड़ गई, दिनेश सर जुड़ गए, और कारवां चलता रहा, आनंद कार आए, मैं कार बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे में कलाकारी दिखा के गए, मतलब कैसे प्रपोजल आपने सबमिट करना है, बी सीरियस मैं नहीं जानता था और वो सीखा हूं यहां से, रेफरेंसेस के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, क्योंकि एक ही वे से हम रेफरेंस लिखते थे, तो रेफरेंस लिखने के तरीके यहां हमने सीखे हैं और उसको बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे, ह्यूमन राइट्स और वुमन एम्पावरमेंट, इतने यहां सेमिनार भी उसके ऊपर प्रेजेंट किया था, ऑलरेडी वुमन एम्पावरमेंट है दीदी, बॉस ही वुमन है तो फिर प्रश्न ही नहीं है, लेकिन निशा दुबे जी ने बिल्कुल संविधान के दायरे में रहते हुए हमें
उन चीजों का ज्ञान करवाया, जिस बगैर आज का जीवन, आधुनिक जीवन अधूरा है। मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन मिलेगी कैसे? तो हमने रात को मेरी पहली वाली रिकॉर्डिंग लैपटॉप से कन्वर्ट करके मेरे मोबाइल में ला दी, तो संगणक मराठी में और हिंदी में संगणक ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंप्यूटर का ज्ञान दो व्यक्तियों ने बहुत अच्छे तरीके से दिया, डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव और नंद किशोर जी। लेकिन रिसर्च पेपर कम वक्त में किस तरह से, किस पैरामीटर में लेकर हमें इजीली हम उसको लिख सकते हैं। नम्रता जी तो एनी टाइम जब भी हम कहीं ना कहीं मिलते हैं तो ये चीजें होती हैं, लेकिन कन्हैयालाल जी आहूजा इन्होंने बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से बताया, डॉक्टर आर्य। और उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर आनंद, बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल, एक आत्मा की तरफ लेके गए, एक ने जमीन पर आके खड़ा कर दिया। बहुत दोनों का सुंदर मिलाप था, जिससे हमने बहुत अपने आप को आनंदित महसूस किया। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था हर लेक्चर में। मैं करूंगा, आप मेरे में आ गए ना, आप मेरे में आ गए ना, आप मेरे में आ गए ना। उसके बाद बहुत सीरियस मैटर चला, मैंने उस समय मेरा धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैंने कहा था कि 370 का इशू सब तरफ चल रहा था, हमारे पूरे ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था, खासकर जर्नलिज्म और पॉलिटिक्स वालों में तो इसकी बहुत डिस्कस होती है। मानस जी दे रहे हैं मुझे, हमने तो बहुत निचोड़ निकालने की कोशिश की, निकला नहीं पूरा, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन दिया। कुलगुरु जी आए थे, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें उस चीज को समझाया। पर्सनली मुझे भी बहुत सही तरीके से, अभी मैं फॉरेन पॉलिसी पढ़ाते समय कश्मीर का जो इशू अगर मैं वहां बताऊंगा तो उसको इतनी अच्छी तरह से मैं बता पाऊंगा। और ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए जरूरी है, ये चीज एवरीवन सभी के लिए बहुत जरूरी है। संविधान मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ना जरूरी है, तो वो एक चीज थी। फिर बीच में डॉक्टर भूपेश जी गुप्ता आए थे, भूपेश जी गुप्ता, हम समझ ही नहीं पा रहे थे एक्चुअली हो क्या रहा है, लेकिन जैसे जैसे कनेक्ट होते गए, विचारों का आदान प्रदान होते गया, तो आज जाके वापस उनसे मिले कि हमारा रिजल्ट तो बताओ, और उन्होंने हमारा रिजल्ट भी बताया बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से। उन्होंने हमें अंतर ध्यान करवाया कि आप कैसे हो, आप खुद को कैसे एवलेट करते हो और आप क्या अचीव करना चाहते हो, इन दोनों का संगम उन्होंने हमसे करवाया। और फिर मधुशाला में पहुंच गए, आज जयश्री जी बंसल आई और एक अलग अंदाज में, वैसे मैं नहीं कहूंगा कि वो साहित्यिक अंदाज था, बिल्कुल नहीं कहूंगा, एक मास्टर टीचर होती है प्राइमरी स्कूल की, उस तरह से टच कर कर गए, जो नहीं सुनना चाहते थे शायद उनको भी उन्होंने बराबर मधुशाला में प्रवेश करवा लिया। तो ये पूरा दौर चला, और इस दौर के बाद प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हम में से, वैसे नम्रता जी मैडम ने पूछा था कौन लीड करना चाहेगा आप में से, तो दो ही हाथ उठे थे मुझे याद है, एक दुर्भाग्य से नहीं था और एक मानस जी थे। तो प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रशासक कैसा होना चाहिए, उस बारे में लास्ट बट बेस्ट छोटे छोटे क्लूज में जानकारी नरेंद्र धाकड़ जी ने दी थी। तो ये पूरा निचोड़ है मेरे ख्याल से इस पूरे ओपीपी 114 का। क्या मिला मुझे, क्या मिला? चेतन जैसा प्यार दोस्त, वो बोझोड़ में है, लेकिन मैडम सभी ऐसा समझते थे कि हम दोनों एक ही कॉलेज में, गोड़से और बाबू साहब जैसे बड़े भाई, जिनको हम पूरा दिन, जिनके साथ मस्ती मजाक करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा क्यों कर रहे हैं।
अजिंक्य सचिन सोमनाथ विकास जैसे हमराई बोलते नहीं थे हमारे साथ, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं हो रहा था, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत फील हो रहा था। नितिन जैसा शायर नाना पाटेकर, बहुत खुशी हुई कि कलाकारी दिखाने का मौका हमने कहीं नहीं छोड़ा। हॉस्टल में भी मैडम हम 1 बजे तक गाने बजाने, मतलब नॉट म्यूजिकली, हर एक अपनी अदाकारी हम दिखा रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, वो एंजॉयबल मोमेंट। अगर पंकज और प्रशांत की बात करूं तो वो अजीज थे हमारे। बातें ऐसी होती थी हमारे में कि बरसों से हम साथ में, ना अभी 28 दिन की बात नहीं है, बरसों से साथ में है। और अनिल बारी लई बारी, उनका एक एटीट्यूड मुझे हर वक्त पसंद आ रहा था। जो आपने कहा कि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था या पावर पॉइंट का प्रॉब्लम था, तो वो एक ऐसा बंदा था कि जो हर वक्त उठ के आता था कि मैं कर देता हूँ, स्पीकर लगाना सर मैं हूँ, लाइट का कोई प्रॉब्लम है मैं हूँ, हर वक्त उसने यहाँ पे मदद की। अब ये हो गया पुरुषों की बात। वुमेन एम्पावरमेंट इसमें कैसे बोल सकते हैं? और मैडम को मैंने ही कहा था चेयरबार सेमिनार में वो चीज होनी चाहिए कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट की, मैडम ने कहा था ओके वुमेन एम्पावरमेंट ले सकते हो। जब सेमिनार के बारे में आप चर्चा कर रहे थे तब मैं रजनी मैडम का वहां बैठा हुआ था, तो समय की बात रीटा और प्रीति मैडम जैसी बहने मिली मुझे यहाँ पे, सोना प्रीति बैनर्जी अमिता स्वाति सविता शैलजा रजनी रजनी जैन और बोराले, रजनी हमारी बड़ी बहन जैसी है, परसों नाराज हो गई थी आजकल खुश कर दिया उनको। मंजू मैडम पुलकिता भावना, पुलकिता हमारे में एक नया सा जोड़ हो गया है। अमिताभ अमिताभ का रिप्लाई दे रही तो, और मुझे शायद मुझे पता नहीं संजीव और समझ रही थी कि यहाँ धर्मेंद्र पता नहीं, लेकिन वो अमिताभ बन रही थी। भावना एक इमोशनल टच है उनका भी इस सेमिनार से, इस ओपीबी 114 से। देन पिंकी और पारुल, जब पिंकी यहाँ पे आती थी मैं डरता था वहां पर, इतना बेहतरीन। एक्चुअली हमारा हमारी ये इच्छा थी कि उनके तरफ सूत्र संचालन जाए, इसका एंकरिंग उनके पास जाए। बहुत बढ़िया स्पीच, मैं कल से नेशनल डिबेटर है हूं जितना मुझे पता चला है। बहुत सुंदर आवाज है, शेर व शायरी तो लाजवाब है, लेकिन बगैर पारुल के वो भी कम हैं। पारुल की जोड़ी जब तक नहीं बनती है तब तक वो अधूरे हैं, ये मैंने पाया। निशा संध्या के बगैर अधूरी है, और निशा मैडम को और संध्या मैडम को जब तक मैं नमस्कार ना करूं मेरा तो बिंदी निकल जाता था, उनका नहीं निकलता था। कीर्ति मैडम बिल्कुल अलग अलग सी रहने वाली, अभी हंस रही है, पता ही था नम्रता मैडम के साथ उनका जुड़ाव है। वहां एक कोने में बातचीत चल रही थी तब पता चला कि अरे कीर्ति मैडम यहीं पर सर्विस करती, यहीं मीन्स इन कैंपस। लेकिन तब पता चलता है व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्तिमत्व, कि कल मुझे कहीं जाना था मीन्स सीन नजदीक जाना था, तो मैंने उनसे इंक्वायरी की मुझे यहाँ जाना है। उसने ये नहीं पूछा कि क्यों जाना है, उन्होंने पर्स में से, मैं जेल दे रहा हूँ, उसने पर्स में से सीधा चाबी निकाली गाड़ी की, ये दिया, बोले यहाँ पे आप निकल जाओ। ये इंदौर से मैंने सीखा कि हेल्प कैसी करनी चाहिए। और सबसे प्यारा हंसमुख चेहरा जिसने सेमिनार में सभी को हंसाया, हमारी संस्कृत की प्यारी रेवा मैडम। इन सबसे मिलाकर, इन सभी को मिलाकर यह ओपीपी 114 मेरी जिंदगी में मैं भूलने वालों में से नहीं हूं, और मुझे पूरा विश्वास है
कि यह पूरा ग्रुप एक दूसरे को कभी नहीं भूल पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी अच्छाई, इसमें एक मैं जोड़ना चाहूंगा खास नम्रता मैडम जी के लिए, हमारी डिस्कस बहुत बार हुई हमारे ग्रुप में, स्पेशली जो छोटा ग्रुप हमने एडिशनल जो बनाया हुआ है आपस का तीन चार लोगों की, वो चीज ये देखी मैंने और हमारे ग्रुप ने, और शायद आप सभी ने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि मैडम ऐसी हैं, मतलब बाकी मैंने देखे हैं प्रिंसिपल्स देखे हैं, इसके कॉलेज के प्राचार्य देखे हैं, कुल सचिव देखे हैं, बहुत से मैंने डायरेक्टर देखे हैं, मैंने भी एचआरडी में काम किया, मैंने भी डायरेक्टर्स देखे हुए हैं, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट राष्ट्रीय सिद्धि संस्थान में मैंने काम किया, इकोनॉमिक्स बॉडी एचआरडी में, वहाँ केंद्रीय निदेशालय के एक पुष्पा तने जहाँ अभी रिटायर्ड है वो डायरेक्टर थी, तब मैं जब था वहां पर। तो डायरेक्टर्स मोस्टली अवॉइड करते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन सेंस जो उनके नर्स होते हैं, लेकिन ये मैंने और हमारे ग्रुप ने जाना कि नम्रता जी जहां पर भी देखती हैं कि ये अरे मेरे कोर्स के हैं, तुरंत खड़ी हो जाती हैं और डिस्कस करती हैं, वार्तालाप करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी है मेरे ख्याल से इस सेंटर की कि इस तरह के डायरेक्टर्स इस सेंटर को मिले हैं जिन्होंने हमें बांध कर रखा। और अंत में खत्म नहीं हुआ है, बिगनिंग तो शुरू हुई, मैडम ने कहा है मैडम चश्मा थक गया। तो अंत में एक चीज हम सभी ने जाननी है कि हम इंसान हैं और हमें अपने स्टूडेंट्स को इंसान बनाना है, ये एक निचोड़ मैंने यहां से निकाला है, ओरिएंटेशन से निकाला है। तो देखकर दर्द किसी का, देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात हमको इंसान बना देती है। और आप सभी ने अपने स्टूडेंट्स को इंसान बनाना है और उनको यह एहसास दिलाना है कि सवेरे मैंने एक से चुराई है कविता चार लाइन, कि आपको स्टूडेंट को यह सिखाना है कि जीना है तो फूलों की तरह मत जीना, जीना है तो फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे, जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर की तरह जीना, जीना है तो पत्थर की तरह जीना, जिस दिन तराशे जाओगे भगवान बन जाओगे। धन्यवाद।